तो हेलो दोस्तों, वेलकम है। कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज अपन लोग खेलने वाले हैं थीफ सिमुलेटर 2, जिसके अंदर यार मैं एक चोर बना हुआ हूँ और मैं लूटता हूँ बहुत सारे लोगों को। और मेरे को ये चीज भी देखनी है कि चोर आखिरकार किन किन चीजों का ध्यान रखता है जिससे वो पकड़ा नहीं जाता, और मेरे को भी उस चीज का ध्यान रखना है ताकि यार मेरे को पुलिस पकड़ के ना लेके जाए। तो चलिए चलते हैं। और यार ये गेम मतलब पता नहीं क्या सोच के बनाया किसी ने, पूरी अपने को पता चलेगा कि क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ती है अपने को और किस चीज का अपन इन फ्यूचर अपने लिए ध्यान रखेंगे जिससे चोरी अपने घर पे। अब यार दोस्तों, ये जो बंदे का आवाज है ये मेरा दोस्त है, उसने बोला है कि पुलिस आ रही है, तुमको इधर से जल्दी फंटास की गोली लेनी है क्योंकि अगर तुम इधर ज्यादा टाइम तक रुके रहे तो पकड़ लेंगे। और वो लोग इधर से आ रहे हैं तो मैं निकलता हूँ इधर से। भाई मैं नहीं रुकने वाला। ओके इधर मैं किया इसने, और तो क्राउच करना पड़ेगा। अगर इसने गलती से भी देख लिया ना मेरे को तो बहुत मारेंगे ये लोग। सॉरी 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 सॉरी। ओ नहीं नहीं, शिट, कुछ गया। I saw him. He's not here. I saw him. इसने बोला शायद। Check the back guard. भाई उसने देखे तब तक तो मैं इधर से निकल जाऊंगा। Maybe उसने मेरे को देख लिया था, but कोई ना, तुम्हारा भाई तो भाग गया उधर से। और गाड़ी के अंदर बैठो और let's go Midston. मेडिसन नाम की जगह है, वहां पर अपने को बहुत सारी चोरियां करनी बाकी है। तो इधर से अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है, तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस गेम के अंदर। मैं भी शायद बहुत बार पकड़ा भी जाऊं, और मेरे नाम का यार वांटेड का फोटो भी चिपका हुआ है। भाई बहुत ज्यादा डेंजर जगह ही है। अब यार ये जो बंदा है प्राइवेट नंबर से मेरे से बात कर रहा है, वो वैसे तो मेरा दोस्त है, बट ये मेरे को बोल रहा है तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूँ पुलिस से बचने में, बट फ्री में नहीं करूंगा। मतलब यार दोस्त का मतलब क्या जब फ्री में ना करे। इसने मेरे को टिप दिए, बंगलो नंबर 102 अभी खाली पड़ा है, उधर कोई भी नहीं है, तो उधर जाके मैं थोड़ा सा लूट लूँ और थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करूँ। वो पैसा लेके मैं इसको दे दूंगा, तभी ये मेरे को मतलब मदद करेगा। वैसे आजकल कोई भी ऐसे मदद करता नहीं है, तो भाई से ये रास्ते से अंदर चलता है। और ये फट्टा भी है क्या, इधर से चलना पड़ेगा। और लेट्स गो, खिड़की खुली रख के गया है। भाई ऐसा काम करोगे तो चोर आएंगे ही ना, मेरे जैसे लोग आएंगे ही। जल्दी से जल्दी चेक करते हैं कि इधर क्या क्या पड़ा है। ओके कुछ नहीं, ओ ये एक मिला है कुछ ना कुछ, मे बी इसका पता नहीं कितना बिकेगा, बट बेच मारेंगे। बोतल भी बेच मारते हैं, फ्राइंग पैन भी बेच मारूंगा साला, चाय का कप कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जितनी भी इधर क्रॉकरी है सारी बेच मारेंगे। इधर कुछ ना कुछ तो अंदर मिलना चाहिए मेरे को। वो रेडियो मिला है बट बहुत ज़्यादा चीप है, कोई ना। और थोड़े से $30 भी मिले हैं तो वो भी अच्छी बात है, तो बस पीटी हो जाएगी मेरे लिए। इसके अंदर कुछ नहीं है सब बेचने लायक। नीचे वाले में ओ $50 पड़े हैं, और उसके नीचे वाले में नो नथिंग। तो ये भी ले लिया, लेट्स गो, ले लिया। अब इस Very nice. साले इसके घर के चाबी भी चुरा लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मतलब ये बाद में जाएगा कैसे वैसे। और ओ ये भी ले सकता हूँ मैं। वैसे तो मैंने इसका घर सारा लूट लिया, और आज के बाद तुम लोग भी ध्यान रखना, कभी भी अपनी खिड़की खुली मत रखना। और ये देखो ऐसे पैसे रखना, मतलब निकलो निकलो निकलो, लूट लिया इसको भाई। मैं तो इधर टहल रहा था भाई, मैंने कुछ नहीं देखा, टहल के जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी उधर है भाई, बहुत सारा पैसा मिलेगा बताए। $60 तो मेरे पास ऐसे ही आ गया है, और जितना भी माल है एक बंदा है वो खरीद लेगा ये सारे चीज़ें। यार ये ब्लैक मार्केट में बहुत तगड़े पैसे में बिकता है। अरे अंदर जा रहा भाई, ये रहा ब्लैक मार्केट किधर है भाई, लेट्स गो। अब ये आ गया है अपने जॉय भाई का घर, मतलब जॉय भाई की शॉप। Are you crazy? Yes, I am crazy. अब मेरे पास बहुत सारी सामान है, और इसका मेरे को कम से कम $300 तो मिलना चाहिए, ठीक है। सेल ऑल कर देते हैं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके ऑलरेडी सारी सामान मिल चुकी है, और मेरे पास $60 थे पहले, और $320 मिले, जो बहुत अच्छी बात See, है। that's how it goes. अब मेरी एक स्किल अनलॉक हुई है जिसके अंदर मैं मार्क कर सकता हूँ पीपल्स को, तो जाके उस स्किल्स को देखते हैं और इसको लर्न कर लेते हैं। ओके हो गई। नेक्स्ट मेरे को मेरी level 3 पे मिलेगी, तो उसका कोई सीन नहीं है, level 3 पे मिलेगी। तो फाइनली अपनी स्किल तो अनलॉक हो गई। Alright. अब यार मेरे को कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा मेरे को टिप देता रहता है। ये मेरे को बोल रहा है कि एक बंदा है जिसके घर पे मेरे को चोरी करनी है, बट उससे पहले मेरे को उसके ऊपर नजर रखनी है कि कब वो उस घर से निकलेगा। तो इसने मार्क किया एक जगह, उस जगह पे जाना है, और उस जगह पे मेरे को कुछ दिक्कत वाली चीज करनी नहीं है। पार्किंग में वेट करना है 3 बजे तक का, अभी 12 बजे है और 3 बजे तक का वेट करना है, तो टाइम पास करते तब तक।
देखो यार मार्क इधर ही किया हुआ है, और अपनी गाड़ी सबसे पहले काम करते हैं, पार्किंग में पार्क कर लेते हैं, फिर मैं चल के ही चला जाऊंगा, ज्यादा दूर है नहीं ये जगह। अगर मैं इधर ट्रैफिक सिग्नल भी ब्रेक करता हूँ ना तो मेरे को फटका पड़ेगा, और खुद की गाड़ी का डोर ओपन नहीं रखना है, गलती से रख दिया भाई कोई चोर आके लेके चला जाएगा तो ये बीटी हो जाएगी। 15 सेकंड और बाकी है तो फटाफट से चलते हैं जहां पर स्पॉट पे अपने को जाना है, वो बंदा आने वाला ही होगा जिसको अपने को मार्क करके रखना है। लेट्स गो, मार्क हो चुका है अपना, और कोई देख तो नहीं रहा है साला, कोई आगे पीछे से आगे बोलेगा धप्पा। अब भाई यार ये बहुत ज्यादा बीटी कर रहा है, ये मेरे को बोल रहा है कि अगर मैं क्रोबार से इसके घर को तोड़ूंगा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसने अलार्म लगाया हुआ है, तो मेरे को लॉक पिक का एक स्किल लर्न करनी पड़ेगी, ताला कैसे खोलते हैं। और दूसरी चीज, इसने अपना हाइड आउट का इंतजाम किया हुआ है तो वो भी अच्छा है, और 5 बजे वो बंदा बाहर निकलता है, टाइम है। तो सबसे पहले अपन हाइड आउट पे चलते हैं अपनी जगह पे, जहां पर मैं पुलिस से बच के सेफ रह सकता हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो यार दोस्तों, ये वाला जो घर है इसने मेरे को दिया है, ये बोल रहा है टाइम टू टाइम भाड़ा आ जाना चाहिए, नहीं तो निकाल दूंगा लात मार के। वैसे वो तो दे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा चुराना बाकी है। और घर तो वैसे बहुत ज्यादा कूल है, जंगल के बीचों बीच, किसी को भी पता नहीं चलने वाला। लेट्स गो, सबसे पहले देखना है, और इसको मैं रिनोवेट भी करूंगा बाद में, थोड़ा टूटा फूटा है। ओ ये बाथरूम भी एकदम सड़ा सा है, बट बहुत बड़ा बाथरूम है बे, असाला इतना बड़ा तो रूम होता है हमारे इधर। वैसे ये छोटा सा, ये वाला कंप्यूटर, लो ये लो कंप्यूटर पे आ गए, मंडे है आज, नाइस। ओके भाई साहब, ये बहुत ज्यादा क्रेजी है, डार्क वेब पे सब कुछ बिकता है भाई। इधर ये मेरे को एक घर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और बहुत सारे घरों की इन्फॉर्मेशन है जहां पर मैं लूट कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, और कुछ भी कर सकता हूँ, उसका मेरे को पैसा भी मिलेगा, और साथ साथ ये एज ए जॉब की तरह काम करते है भाई, बहुत ज्यादा यार कूल चीज है। बट यार तो अब मेरे को दो काम मिल सकते हैं, दोनों में से एक ले सकता हूं मैं, $75 जिसके अंदर मेरे को एक्सपी कम मिलेगा, बट मेरे को एक्सपी बहुत ज्यादा चाहिए। स्मैश अ फ्यू थिंग्स, तो मेरे को कुछ चीजें तोड़नी पड़ेगी, मेरे को ये वाला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरे को नया स्किल सीखना है लॉकपिक वाला, तो उसके लिए करना पड़ेगा। अब मेरे को 102 में वापस जाना है, उसी घर में जहां पर वो खिड़की खुली थी, तो उधर जाके वापस से चोरी करनी है, और सेम टू सेम उधर का पीछे का फट्टा खुला हुआ ही है, मतलब जो फेंस था वो खुला हुआ है, खिड़की भी खुली हुई है, और कुछ चीजें इस बार मेरे को तोड़नी है जिससे मेरे को ज्यादा एक्सपी मिलेगी। किस घर पे चोरी करनी है, क्या टाइम है, किस टाइम पे बंदा बाहर जाता है, पूरी इन्फॉर्मेशन बिक रही है भाई ब्लैक मार्केट पे। वैसे ये रात का काम कर रहा हूं ना तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि रात को ये चीज थोड़ी सी इजी हो जाएगी मेरे लिए। इस बाजू वाले घर के अंदर कैमरा लगा है, और इसी के लिए मेरे को लॉक पिक चाहिए, तो अलार्म भी बच जाएगा। और इस ड्रॉअर में तो वैसे मेरे को कुछ मिला नहीं है, अंदर में भी थोड़ा सा कैश वैश मिल जाए, वैसे जितनी भी चीज़ चाहिए थी वो सारी मेरे को मिल गई है। अब बारी है घर के सारे सामान को तोड़ने की, जिससे मेरे को ज़्यादा माल मिलेगा। ओके ये भी टूट गया है, लेट्स गो, पता चल गया भाई मैं निकल जाऊंगा भाई इधर, बाय बाय पुलिस कॉल, एस्केप और हाइड। भाई पुलिस ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी पार्किंग में चलते हैं। भाई मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं सोच रहा हूँ, ओ शिट रिपेयर कॉस्ट, भाई फटका लग गया $47 का यार इसके चक्कर में। लेट्स गो, फाइनली अपना हो गया है काम, अपने चोरी भी कर ली, और यार ये बर्गलर्स अवेयरनेस डे स्टार्ट हो चुका है, अपनी वजह से हुआ है। लेट्स गो, अभी चलते हैं सबसे पहले अपन। ऐसे मेरे को एक चीज करनी है, मेरे को वैसे भी एक नई स्किल सीखनी है, तो फटाफट से सीख लेते हैं। अब देखते हैं कि अपनी लॉक पिक की स्किल्स अनलॉक हो चुकी है कि नहीं, और हो चुकी है, यस। अब इसके बाद बारी है पिक पॉकेट, भाई मैं पॉकेट मार भी बनूंगा, लेट्स गो। ओ नहीं नहीं नहीं, ठुकनी नहीं, ठुकनी नहीं, वैसे ही फटका लगा हुआ है मेरे को भाई, सीधा कटता है भाई ये फटके से पैसा। भागो रे भागो, चोर आया चोर आया चोर। भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम बाकी था उसके बाहर जाने में, तो मैं थोड़ा सा सो गया, और अपना टाइम हो चुका है, लेट्स गो गाड़ी के अंदर। मतलब यार ये अपना बंदा सो जाता है इजीली, अब जैसे ही 5 बजेंगे ना वैसे ही वो बंदा उधर से निकल जाएगा, और बंदा आएगा पूरा रात को 9 बजे घर पे, काम पे जाता है इसलिए, और मेरे को उसका ड्रोन चुराना है, और ड्रोन तो जल्दी जल्दी मैं चुरा ही लूंगा। वैसे मैं लास्ट टाइम लॉक पिक एक वेस्ट भी कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इस कैमरे से बच के रहना है मेरे को। 5 बज चुके हैं और भाई जा रहे हैं बाहर, और तुम्हारा भाई जाएगा अंदर, द ब्रोकन फेंस बिहाइंड द होम, लेट्स गो। ये निकल रहा है फिक्स 5 बजे, देखो ये निकल रहा है और निकल गया, लेट्स गो। अब मेरे को जाना है अंदर, हल्लू हल्लू जाना है, आवाज बिल्कुल भी नहीं करना, अगर थोड़ी सी भी आवाज हो गई तो उसको पता चल जाएगा और पुलिस को पता चल जाएगा, इसका अलार्म बज जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, लेट्स गो, मेरे को एक ड्रोन चुराना है भाई, प्लीज ड्रोन जल्दी जल्दी चुराने दो। लॉक खुल गया, नहीं अगर इसको खोला तो बीटी हो जाएगी, ब्रेक इनटू 103, तो मेरे को लग रहा है मेरे को एक और लॉक पिक लेना पड़ेगा। खुल गया,
भाई क्या गंदा कूड़ा फैला के रखा है यार। ड्रोन चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए रहा। ड्रोन मेरे को, पैसा वैसा जितनी भी सारी चीज है सारी चीज चुरा लूंगा। मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए भाई। मिला मिला कुछ ना कुछ तो खतरनाक मिला। वैसे मैं ऐसे पागलों की तरह क्यों लूट रहा हूँ जब दरवाजे पे कोई है ही नहीं। वो 9 बजे आने वाला है तो अभी तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है लूटने के लिए। ओ ये कैश मिला, सारी चीजें तो लूट लिए। अभी कुछ कुछ तो बढ़ रहा, कुछ रह गया, कुछ रह गया। एडेप्टर भी नहीं छोड़ूंगा भाई, चार्जिंग किसे करेगा ये बंदा। ओ पैसे पड़े थोड़े बहुत, $15 और लेट्स गो। और इसको रीलॉक कर देते, पता भी नहीं चलेगा कि ये बैकयार्ड से कोई बंदा आया था। वैसे कैरी टू मच, मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है जिसकी वजह से मैं तेज तो नहीं भाग सकता। और मेरा पूरा बैग भर चुका है। किसी भी बंदे को देखने से पहले मेरे को जल्दी से जल्दी गाड़ी में जाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी कि किसी को भी पता चल जाएगा ना कि यार इतना सारा सामान लेके जा किधर रहा है। फ्लाई बाय लाइट, ओके वो कर लूंगा मैं। लाइट ड्रोन्स को उड़ाना है वो कर लूंगा। सबसे पहले मेरे को मेरा सामान जो भी है वो क्लियर करना है। अब तेरे लिए मैं बहुत सारा माल लेके आया हूँ, जितना भी है सारा बेच मारो और तगड़ा मेरे को पैसा दो। खटा 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 खट खटा खट खटा खट खटा खट पैसे आ गया मेरे अकाउंट में भाई, $870 हो गए। ओ ये यू आर द ग्रेट। मेरे पास एक पेन ड्राइव भी पड़ी है, वो भी ले ले, उसका भी मे भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। क्लोज, लेट्स गो। पेन ड्राइव और ये $150 की पेन ड्राइव बिकी है भाई, 64 GB। मेरे को इधर से साइड से जाना पड़ेगा, ये जो बॉर्डर है इसके पार जाऊंगा मेरे को सीधा ऑप्शन आ जाएगा। हाइड आउट पे चलते, कार सर्विस बाद में कराएंगे और मेरे को एक नई कार भी खरीदनी है। तो थोड़ा सा पैसा जैसे जैसे मेरे पास इकट्ठा होता जाएगा वो कर लेंगे अपन।